अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये मेरे पास एक मीडियम साइज की प्याज है, एक लाल मिर्च की वाली है और तीन हरी मिर्च है और एक मीडियम साइज का टमाटर है। मैं इसे चॉप करूंगी, पीसूंगी नहीं, चॉप करूंगी। ये हाफ टी स्पून के बराबर हल्दी का है, हाफ टी स्पून नमक है, हाफ टी स्पून हरी मिर्च है, हाफ टी स्पून के बराबर मतलब एक टी स्पून के बराबर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है। और ये मेरे पास हाफ के जी जो है कीमा है, मशीन का या कि कोई सा भी ले सकते हैं आप। मेरे पास ये जो है कीमा जो है बीफ का है, मटन नहीं है। ये मैंने चॉप करा, देखेंगे सारा ये चॉप ओवर। और इसमें मैंने हाफ कप जो है ना ऑयल लिया है, ऑयल गर्म हो गया, मैंने इसमें ये मसाले डाले। मैं इसमें टमाटर नहीं चॉप किया, टमाटर अलग से चॉपिंग करके फिर डाल दूँगी। और जो मसाले मैंने आपको बताए थे वो भी डाल दूँगी मैं इसमें। मैंने इसमें कीमा डाल दिया और कीमा भी भून गया। और ये मैं टमाटर भी मैं डाल दी इसके अंदर, टमाटर मैंने चॉप कर लिया। कीमा भून गया, देखिए बहुत अच्छी तरह से। अब मैं इसमें सिर्फ ये मटर डालूंगी, ये मेरे पास बॉइल मटर है, ये डाल दी। थोड़ी देर और पकाऊंगी, बहुत ही पक जाएगी। मटर जो है गली हुई है, बॉइल मटर है। आप चाहें तो फ्रेश मटर भी डाल सकते हैं या फ्रोजन मटर भी डाल सकते हैं। फ्रोजन मटर को थोड़ा सा पानी में अच्छी तरह से साफ धोकर फिर डालिएगा ताकि इसकी बर्फ़ हो जाए या बाहर रख दीजिएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर डालिएगा। आधा कप जो है मैं दही भी इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, बिल्कुल दही जो है बिल्कुल फेंक के मैंने रखा है। घूमकर चलाएगा, भून जाएगा बस, फिर उसके बाद धनिया वगैरह से गार्निश करेंगे। तैयार है और कितने मज़ेदार बनाए। और जो मैं आपको डिश बताती हूँ वो वैसे ही पकाएंगे तो बहुत मज़े का बनता है। अब मैं थोड़ा सा इसमें धनिया डाल दी, देखिए बहुत मज़े का। और बहुत मैंने इसको टेस्ट भी करा है, आपके सामने भी टेस्ट करके बताती हूँ ज़रा सा। मटर कीमा बहुत मज़ेदार। चलें चलती हूँ, दोनों में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर बनाइएगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए प्लीज़, सब लोग लाइक करें, शेयर करें। चलें, अच्छा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी नासिर रहे, मेरा भी रहे। के लिए अल्लाह हाफिज़।